तो दोस्तों आज बात करते हैं सैमसंग के दो डिवाइसेज यानी कि गैलेक्सी A50s और A70 के बारे में। प्राइसिंग की बात करें तो लगभग सेम है। जैसे पहले बात करें A50s की तो 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन आता है 20,000 रुपये का, 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन आता है 22,000 रुपये का, और 25,000 में आता है गैलेक्सी A70 का 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन। तो फिर A50s और A70 में से कौन सा फोन बेहतर है? जैसे कि अगर मैक्सिमम जो हाईएस्ट वर्जन है A50s का उसका प्राइस है 22,000 रुपये, सेम वेरियंट आता है A70 का 25,000 रुपये, 3,000 एक्स्ट्रा खर्च करके A70 में आपको क्या मिलेगा, या फिर 22,000 में A50s ऑलरेडी एकदम कमाल का फोन है और A70 के लिए 3,000 रुपये खर्च करना बेकार होगा। यही चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिजाइन से। तो दोस्तों बात करेंगे डिजाइन की, तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलता है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले और ये है दोनों ही डिवाइसेज का बैक पैनल। दोनों ही डिवाइसेज देखने में एकदम अमेजिंग लगते हैं, दोनों ही डिवाइसेज एकदम प्रीमियम डिजाइन के साथ आते हैं और टिल्ट करने पर दोनों ही डिवाइसेज से ये कुछ लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं। बाकी का अगर A50s की बात करें तो यहाँ पर आपको टेक्सचर डिजाइन दिया गया, यानी कि टिल्ट करने पर ये कुछ टेक्सचर हैं जो भी अपनी शेप बदलते हैं, जबकि गैलेक्सी A70 में ऐसा नहीं है, बैक एकदम प्लेन है। तो डिजाइन के मामले में थोड़ा सा गैलेक्सी A50s A70 से बेहतर है, लेकिन A70 भी एकदम प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है और डिजाइन में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे सिवाय इन पैटर्न्स के। बाकी का डिमेंशन की बात करें तो A70 में आपको बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, इसके अलावा बैटरी भी बड़ी है। तो यहाँ पर अगर डिमेंशन को कंपेयर करें तो A50s का स्लिमनेस है 7.7mm, वहीं A70 का स्लिमनेस है 7.9mm। इसके अलावा वेट की बात करें तो A70 का वेट है 183 ग्राम और वहीं A50s का वेट है 169 ग्राम। यानी कि कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो उस कंडीशन में गैलेक्सी A50s ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A70। तो बड़ा डिस्प्ले चाहिए आपको और बड़ा बैटरी चाहिए तो फिर आपको यहाँ इन चीज़ों से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बात करें इनबॉक्स आइटम की तो जनरली मैं ये कवर नहीं करता, लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट, तो यहाँ दिखा देता हूँ। तो दोनों ही डिवाइस में आपको फास्ट चार्जर साथ मिलता है। गैलेक्सी A50s में आपको मिलता है 15 वॉट का फास्ट चार्जर क्योंकि ये 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं A70 में आपको 25 फास्ट चार्जर साथ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 25 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर ईयरफोन में भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब गैलेक्सी A50s में आपको वही सिंपल सा हेडफोन मिलता है जो आपको 1200-1400 रुपये के सैमसंग के बाकी डिवाइस में मिल जाता है, जबकि गैलेक्सी A70 में आपको मिलता है इन ईयर हेडफोन जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल कीज भी साथ दिए गए हैं। बात करें अगर डिस्प्ले की तो गैलेक्सी A50s में आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल, वहीं गैलेक्सी A70 में आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल। यानी कि दोनों में ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो कलर्स वगैरह आप यहां देख सकते हो एग्जैक्ट सेम आपको मिलते हैं, दोनों में ही आपको अच्छे रेजोल्यूशन करेंगे, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, तो यहां भी कोई इशू नहीं है। ओवरऑल डिस्प्ले में भाई दोनों ही एकदम अमेजिंग है। इसके अलावा दोनों ही डिस्प्ले की ब्राइटनेस इस समय फुल है और दोनों ही डिवाइसेस को आप आउटडोर में बड़े आराम से यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेज के UI फीचर्स की। तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलता है सैमसंग का One UI और यहाँ पर लुक एंड फील की बात करें तो वो दोनों में एग्जैक्ट सेम है। इसके अलावा फीचर्स भी दोनों में ही आपको लगभग सेम मिलेंगे, जैसे कि दोनों में ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, दोनों में ही आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम मिलता है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉकिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस दोनों की लगभग सेम है। दोनों में ही आपको वॉलपेपर एंड थीम स्टोर दिया गया है। इसके अलावा अगर एडवांस फीचर्स की बात करें तो ये भी लगभग सेम है, जैसे कि दोनों में ही आपको बिक्सबी दिया गया है। इसके अलावा स्मार्ट पॉपअप दिया गया है, कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स आपको दोनों ही डिवाइसेस में मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस में गेम लॉन्चर एंड गेम टूल्स दिया गया है जिसके जरिए आप अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हो, और दो फेसबुक या दो व्हाट्सएप यूज करने के लिए यहाँ पर डुअल मैसेंजर भी दिया गया है। इसके अलावा दोनों में ही आपको डिजिटल वेलबींग मिल जाएगा जो कि एंड्रॉइड पाई का कोर फीचर है। इसके अलावा डिवाइस केयर वगैरह, ओवरऑल फीचर्स दोनों में ही लगभग सेम है। यही आपका क्विक एक्सेस पैनल जहाँ पर जरूरी सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लू लाइट फिल्टर आपको दोनों में ही दिया गया है। इसके अलावा सिक्योर फोल्डर आपको दोनों में ही मिल जाएगा। दोनों ही डिवाइसेस NFC सपोर्ट करते हैं, इसीलिए दोनों में ही आपको सैमसंग पे दिया गया है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइस पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है। किड्स होम दोनों में दिया गया है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको दोनों ही डिवाइसेस में मिल जाएगा। ओवरऑल UI फीचर्स में दोनों ही एकदम अमेजिंग हैं। बात करें अगर कैमरे की तो दोनों ही डिवाइसेस में रियर पर आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट पर दिया गया है सिंगल कैमरा। सबसे पहले बात करें अपने गैलेक्सी A50s के बारे में, तो यहाँ पर प्राइमरी कैमरा दिया गया है 48 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर साइज है 2.0, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका भी अपर्चर साइज है 2.0। वहीं बात करें गैलेक्सी A70 के बारे में, तो यहाँ पर प्राइमरी कैमरा रियर पर दिया गया 32 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर साइज है 1.7, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, इसके अलावा यहाँ दिया गया है 32 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है f2.0। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइस में ऑटो, प्रो, पैनोरामा मोड मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड भी आपको मिल जाएगा दोनों ही डिवाइस में रियर और फ्रंट दोनों के लिए। इसके अलावा दोनों में
स्लो मोशन, फास्ट मोशन, वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। सुपर स्लो मोशन भी आपको दोनों में ही दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइस से अल्ट्रा एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन A70 में आपको फुल एचडी 60fps का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि एकदम अमेजिंग चीज है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा अलग से बनाया गया गैलेक्सी A50s वर्सेस A70 का कैमरा कंपैरिजन देख सकते हो। इन शॉर्ट बात करें तो रियर कैमरे जो फोटोज मैंने लिए थे मैक्रो शॉट डे लाइट में, वहां पर आपको गैलेक्सी A50s में ज्यादा अच्छा कलर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू A70। और जब दोनों पिक्चर्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में A50s के फोटो ज्यादा अच्छे नजर आते हैं और A70 के फोटोज कभी कभी वॉश आउट नजर आते हैं, लेकिन गैलेक्सी A50s में आपको रेड कलर ओवर सैचुरेशन का इशू भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर ये कई तरीके मैंने सैंपल्स दिए हैं लो लाइट के लिए, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के लिए, यहां से आप आइडिया ले सकते हो कि किस कंडीशन में किस डिवाइस पर आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर A70 बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आपको अल्ट्रा एचडी के साथ साथ 60fps पर फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जबकि A50s में केवल आपको अल्ट्रा एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन मिलता है। दोनों ही डिवाइस में सुपर स्टडी मोड और नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड भी दिया गया है। दोनों ही डिवाइस में आपको स्लो मोशन मिल जाता है 240fps पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और 480fps पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको मिलता है सुपर स्लो मोशन। इसके अलावा फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल्स और दोनों ही डिवाइस से आप अमेजिंग सेल्फी ले सकते हो, लेकिन कलर टोन आपको दोनों में ही बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलती है। गैलेक्सी A70 में आपको थोड़ी सी अननेसेसरी रेड टोन होगी, जो कि देखने में पिक्चर्स तो एकदम अमेजिंग बनाती है लेकिन नेचुरलिटी से दूर कर देती है। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी सेल्फी ज्यादा पसंद आती है। पर्सनली मुझे गैलेक्सी A50s की सेल्फी ज्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के हार्डवेयर की। गैलेक्सी A70 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर, वहीं गैलेक्सी A50s में आपको मिलता है एक्सिनोस का 9611 प्रोसेसर। और ये हैं N22 बेंचमार्क स्कोर्स आपकी आंखों के सामने। यहाँ A50s का 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन है, वहीं A70 का 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन। और यहाँ पर अगर स्कोर्स की बात करें तो इसके मुताबिक गैलेक्सी A50s पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू A70। बाकी अगर कॉमन यूज और मल्टीटास्किंग में A70 ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 6GB वाला वेरियंट अगर हम यूज़ करते हैं गैलेक्सी A50s का तो मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस भी वहीं आ जाती है। ओवरऑल दोनों का ही हार्डवेयर लगभग सेम है। और अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे बात करते हैं पबजी जो कि काफी पॉपुलर गेम है, तो दोनों ही डिवाइसेस पर सेम ग्राफिक सपोर्ट आपको मिलता है, यानी दोनों ही डिवाइसेस पर HDR का सपोर्ट मिलता है, HDR पर अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है, दोनों ही डिवाइसेस पर HDR पर बहुत वाइड गेम चलता है। वहीं स्मूथ ग्राफिक्स पर दोनों ही डिवाइसेस पर आपको मिलता है एक्सट्रीम फ्रेम रेट का सपोर्ट और वहां पर आपको एकदम अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। बात करें अगर बैटरी की तो A50s में आपको मिलती है 4000mAh की बैटरी और ये डिवाइस 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं A70 में आपको मिलती है 4500mAh की बैटरी और ये डिवाइस करता है 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। दोनों ही डिवाइस में फास्ट चार्जर साथ मिल जाता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया अनबॉक्स आइटम्स में। बैटरी बैकअप दोनों का लगभग मुझे सेम लगा। तो यही था गैलेक्सी A70 और A50s के बीच ओवरऑल या फुल कंपैरिजन। अब 3000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको इनबॉक्स आइटम ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, इसके अलावा बैटरी थोड़ी सी बड़ी मिलती है, थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा मिलता है, बाकी का कैमरा परफॉर्मेंस हार्डवेयर परफॉर्मेंस जो कंपैरिजन वो मैं यहाँ आपको बता ही चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर A50s ज़्यादा अच्छी डील रहेगी एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A70। बाकी के आपको सोचते हैं दोनों ही डिवाइसेस के बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, अगला वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।